नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं फतेहपुर से जिला रिपोर्टर अनिल कुमार के सरवानी की कवरेज। आज 11 दिसंबर को फतेहपुर जिले के क्षेत्र विधानसभा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में जिसमें सांसद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सबसे पहले मांझिल गांव कुंडेश्वर में जिला अभिषेक किया और इसके बाद विजयपुर ब्लॉक पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एक साथ 6 विधानसभा में संपन्न हुआ, जिसमें सदर विधानसभा में 139 जोड़ा, खागा विधानसभा में 113 जोड़ा, जहानाबाद विधानसभा में 106 जोड़ा, बिंदगी विधानसभा में 85 जोड़ा, हुसैनगंज विधानसभा में 76 जोड़ा और अयाशाह में 64 जोड़ा वर वधू के विवाह संपन्न हुए, जिसमें 579 हिंदू रीति रिवाज से अग्नि के साथ फेरे लिए और इस सामूहिक विवाह समारोह में 4 मुस्लिम निकाह कबूल कर जिंदगी भर एक दूसरे के साथ निभाने के 7 वचन दिए। आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कन्या को गृहस्थी संबंधित 2 साड़ी, 2 पेटीकोट, चुनरी, 1 सेट पायल, 2 बिछिया का सेट, वर के लिए 1 पैंट, 1 शर्ट का कपड़ा, गठबंधन का कपड़ा, पगड़ी, मोबाइल, 5 लीटर का कूकर, इक्वाइन स्टील बर्तन सेट एवं मुख्यमंत्री योजना से और बालू खनन पट्टे धारकों से 1 जोड़े को 1 अलमारी और विधायक की ओर से बक्सा टंकी जैसी सामग्रियों को देकर सभी लोगों को आशीर्वाद दिया है। सुने क्या कहा खाद्य रसद मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह खागा विधायक और पट्टा धारक ने। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल। बधुओं के मांग में उनके वरों के द्वारा सिंदूर वंदन की प्रक्रिया पूरी करवाइए। अरे अभी गुब्बारे संभव फोड़ी अभी माननीय मुख्य अतिथि लोग नहीं आए हैं, थोड़ा सा सदा रहने दीजिए, बाद में फोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हेलो, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, के साथ एक आहुति महामृत्युंजय मंत्र से संपन्न करेंगे। पहले निज पाक्ष महोदयोस्तु नियत मनीषायाम्रदि भजन। एकदम नहीं दिख रहा है, आप लोग रास्ता दो, आप लोग बैठ जाओ रास्ता दो, थोड़ा सा देखने में भी ठीक लगे कि हाँ आए हुए हैं सभी विजयपुर और घाटा के सम्मानित सभी जोड़ा और हमारे मंच में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सीनियर नेता। मैं चाहूंगी कि मंच में आकर के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कन्यादान के इस उपलक्ष में भाई कन्हैया लाल जी आकर के कुछ आहुतियां प्रेषित होंगे रूप में प्रदान करें। निश्चित रूप से आप सभी लोग कार्यक्रम अच्छा लगेगा।
सन तो हो जाता लेकिन सब्जेक्ट सही उनका भी एक सम्मान बढ़ता है कि आज हमारे शादी में इतने सारे लोग सम्मिलित हुए। ये सारी चीजें सोच करके उन्होंने एक सामूहिक मुख्यमंत्री विवाह योजना का कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम में सारा खर्चा स्वयं मुख्यमंत्री जी ही उठा रहे हैं। उन सभी वेदियों पे जब तक सामग्री ये जो उपहार है लोगों को नहीं मिल जाता है तब तक आप लोग अपनी जिम्मेदारी अपने उस वेदी पे सुनिश्चित करेंगे। और जो लोग यहाँ मैं आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और जो भी हमारे मीडिया के साथी सुबह से आज के इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं मैं आपको भी बहुत बहुत इस कार्यक्रम और इस मंच की तरफ से आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में साक्षी बने और सभी नव वधुओं को प्रदान किया है तो मैं यहाँ विकास करने आया कि तरफ से इस विकास के कार्यक्रम की तरफ से यहाँ सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। माननीय खनिज अधिकारी महोदय जी की तरफ से एक प्रस्ताव आया जी कि माननीय श्री हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से एक बहुत अच्छा कार्य सामूहिक विवाह योजना चल रहा है जी, जिसमें फतेहपुर जिले में 700 जोड़ों की वैवाहिक कार्यक्रम होना जी। उसमें खनिज अधिकारी महोदय जी ने ये कहा जी, कि यदि आप सहयोग करना चाहें क्योंकि यहाँ पर हमारे लगभग 3 खनन पट्टा हैं जी, जी। और वो इस समय पर संचालित भी हो रहे हैं जी, जी। कि यदि आप सहयोग करना चाहें तो हर जोड़े को जी एक एक अलमारी कन्यादान के रूप में दे दीजिए जी, जी। तो हमने सहर्ष स्वीकार किया जी कि सर हमारा यह सौभाग्य है जी, जी। हम वैवाहिक जीवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ जी हमको ये करने का एक सौभाग्य मिला। पूरे फतेहपुर जिले में जी 300 अलमारी हमने अपनी तरफ से दी हैं जी, जिनमें जो हमारी खदानें हैं कोर्रा कंपोजिट 100 अलमारी वहाँ से जी, और गढ़ीवा नंबर 1 100 अलमारी वहाँ से जी, और संगरौलीपुर कंपोजिट गढ़ा से 100 अलमारी यहाँ से जी, उसी को उपलक्ष्य में विजयपुर ब्लॉक में 115 अलमारी हमारी तरफ से 115 जोड़ों को दी गई जी। यह नेक कार्य करने का सौभाग्य हमको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला। इन वैवाहिक जीवन जो जोड़े हैं इनको आप अपनी तरफ से क्या कहें? मैं भगवान से मनाऊंगा जी कि इनका जोड़ा हमेशा सलामत रखे जी और इनको ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वैवाहिक जीवन के सारी सुख और उल्लास सब कुछ इनको।